हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास. आई होप अंडरस्टैंड कि आप घर में बहुत अच्छे होंगे. फाइन एंड नाइस, है ना? तो आप सभी अच्छे से काम भी कर रहे होंगे. मोर अबाउट एमएस वर्ड. आपका अगला फोर्थ चैप्टर क्या है? एमएस वर्ड. इसमें क्या क्या टॉपिक हैं देखते हैं. स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन, यूजिंग हेल्पलाइन, अप्लाइंग कॉलम, फॉर्मेटिंग, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, सेटिंग पेज मेन, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग हेल्पलाइन लिंक्स, अप्लाइंग ड्रॉप कैप, सेटिंग लाइन स्पेसिंग, सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, मेल मर्ज, है ना? सबसे पहले हम देखते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज. इट इज़ अ फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेट अलाउज यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज अ लेटर, रिपोर्ट्स, टेबल, चार्ट्स. हम माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना? तो उसी का पार्ट क्या है? एमएस ऑफिस पैकेज है ना? तो उसमें क्या करते हैं? फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है ना? उसमें डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या करते हैं? लेटर्स टाइप करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, टेबल्स लिख करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, है ना? इतनी चीज़ें हम क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं. तो इसमें दिया गया है अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इट इनेबल्स अस एज टू एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट. इट ऑल्सो इनेबल्स, ठीक है ना, इनेबल्स एज टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्म, है ना? टेबुलर फॉर्म. इट हेल्प्स अस अ चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट. इन इट इनेबल्स अस टू लिंक एंड इन इम्ब्रेड ऑब्जेक्ट विथ इन अ डॉक्यूमेंट. क्लिप आर्ट, मूवी क्लिप, साउंड एंड कैन ऑल्सो बी इंटरेस्टेड. इसमें हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी काम करने में हम लोग क्या करते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसकी स्पेलिंग और उसकी ग्रामर चेक करते हैं, है ना? तो उसमें आर्ट या कोई चित्र डालना है वो देखते हैं, या मूवी की क्लिप साउंड डालना है वो भी देखते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से हम उसको और प्रभावित और सुंदर बनाते हैं. फिर है स्टेप्स टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट एमएस वर्ड. स्टेप वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टेप टू, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स. स्टेप थ्री, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड. फिर है फाइंडिंग एंड द रिप्लेसिंग टेक्स्ट. यू मैनी हैव टू सर्च ए वर्ड ऑफ प्रेस इन द डॉक्यूमेंट. यू मे ऑल्सो हैव टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर वर्ड और पर्स प्रेस, है ना? प्रेस. सो यू यूज फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट द कमांड. क्या कह रहा है वो? किसी भी, हाउ मैनी हैव टू सर्च, मतलब किसी भी हम उसको सर्च करके वर्ड शब्द को सर्च करके प्रेस प्रेस दबा के तो उसको हम डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, है ना? तो पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस और प्रेस करके, ठीक है, रिप्लेस टेक्स्ट मतलब पुराना हम करके ला सकते हैं. फिर है फाइंडिंग टेक्स्ट के लिए क्या क्या स्टेप हैं देखो. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फाइंड टेक्स्ट. क्लिक ऑन द होम टैब. होम में जाएंगे सबसे पहले. क्लिक ऑन द फाइंड इन द एडिटिंग ग्रुप. फाइंड एंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, है ना? फिर एडिट ग्रुप के बाद फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में जाएंगे. फिर है इन द फाइंड बॉक्स टाइप द टेक्स्ट और वर्ड दैट इज अ टू बी सर्च, है ना? फिर हम जो हमें चाहिए वो हम सर्च करेंगे किस में? फाइंड बॉक्स में, है ना? फिर है क्लिक ऑन द मोर बटन टू गेट मोर सर्च ऑप्शन, है ना? फिर है फाइव,
क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट फॉर फाइंडिंग फर्दर अक्यूरेंस। फिर है प्रेस एक्स टू स्टॉप सर्चिंग। फिर है रिप्लेसिंग टेक्स टू रिप्लेसिंग टेक्स विथ सम अल्टरनेट टेक्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप वन, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द रिप्लेस इन द एडिटिंग ग्रुप, फाइंड एंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एंड अपेयर्स। फिर है क्लिक ऑन द रिप्लेस टैब अंडर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, टाइप टेक्स्ट टू बी सर्च इन द फाइंड बॉक्स। उसमें हम रिप्लेस टैब में अंडर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। टाइप न्यू टेक्स्ट और वर्ड इन द रिप्लेस बॉक्स, क्लिक रिप्लेस टू द सब्स्टिट्यूट द वर्ड एंड द रिप्लेस ऑल द रिप्लेस वर्ड्स विथ अ वर्ड विच हैज़ बीन टाइप्ड इन द रिप्लेस बॉक्स। क्लिक ऑन द मोर बटन फॉर एडिशनल सर्च ऑप्शन। क्लोज द डायलॉग बॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्च। तो देखिए, आपको इसमें स्टेप टू स्टेप बाय बताया गया है और डायग्राम भी दिया गया है। फिर क्या कह रहा, फैक्ट फाइल कीबोर्ड शॉर्टकट बता रहे हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट इज अ कंट्रोल प्लस एफ, है ना। शॉर्टकट फॉर रिप्लेसिंग टेक्स्ट कंट्रोल प्लस एच। तो इसी प्रकार आपको ये पढ़ना है और कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं डेफिनेशंस डायग्राम के साथ अपनी कॉपी में करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इससे आगे को हम कल पढ़ेंगे। और जो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में हमें ज़्यादा समझ में आता है ना, तो प्रैक्टिकल जब स्कूल खुलेंगे हम तब कराएंगे। थैंक यू।